प्रियदास देव द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके कही, साड़ी को फकड़े हुई थी, दूसरा संजोग लगा रहा था, जब जो भेस नहीं चला तो साड़ी को छोड़ दिया, दोनों हाथ ऊपर कर लिए, आवाज लगाई है, गोविंद रक्षा करो मेरे, रक्षा करो मेरी बहन, रक्षा करो। देर नहीं हुई भक्तजनों, दुशासन पसीना पसीना हो गया, लेकिन द्रौपदी को वो निर्वेश नहीं कर पाया, जिसकी रक्षा वो चार भुजाओं वाला करता है तो दो भुजा वाले उसका दुनिया वाले क्या बिगाड़ सकते हैं। वो भजनों भगवान कन्हैया ने तो द्रौपदी की लाज बचाई, महाराज द्रौपदराष्ट्र बड़े शर्मिंदा हुए, जवाब दिया है द्रौपदी, मैं अपने पुत्र के कार्य से बड़े लज्जित हैं, आप हमसे जो मांगोगे मैं आपको वही देंगे, और जितना भी जो कुछ हार गए थे महाराज ने वो सारा वापस कर दिया उन्हें, लेकिन वो हृदय की याद नहीं मिटी, क्योंकि चोट खाई हुई नागिन और धोखा खाई हुई स्त्री कभी किसी को माफ नहीं करती। पांडवों के हृदय में भी उस बदले लेने के लिए एक कई चिंता सी हृदय में बनी रही। परिणाम यह हो गया, कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों तरफ से सेनाएं जुटी गई, कौरव और पांडवों के बीच में संग्राम छिड़ गया, और वो एक दो दिन नहीं बल्कि 18 दिन तक चला, 18 दिन में 18 अक्षौणी सेना मारी गई, विनाश हुआ दुर्योधन का। क्यों? हमेशा विनाश उसी का होता है जो दूसरों का विनाश चाहते हैं, गड्ढे में हमेशा वही लोग करते हैं जो दूसरों के लिए खाई खोदते हैं। अठारवा दिन चल रहा था, दुर्योधन भी घायल अवस्था में पड़ा हुआ था, द्रोणाचार्य का पुत्र उस स्थान के पास पहुंच गया, एक बात आई है महाराज, तुम्हारे निन्यानवे तो भाई मर गए लेकिन तुम आज तक दुखी नहीं हुए, लेकिन आज तुम इतने दुखी क्यों नजर में आ रहे हो, आज तुम्हारे खुद के प्राण जा रहे हैं इसलिए। बोले बात ये नहीं है, बात तो एक दूसरी है, वो क्या है, बात ये है कि मेरे निन्यानवे भाई मर गए और हम भी वीर गति को प्राप्त नहीं होने वाले हैं, लेकिन पांडव भी पांच के पांच बच्चे हुए हैं, इस बात को लेकर के हमें बड़ी चिंता है। इंसान अपने दुखों से दुखी नहीं होता है, बल्कि दूसरे के सुख से बड़ा दुखी हो जाता है, और समझ में नहीं आता है अपना तो मजा नहीं कहां चला गया, अपना तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तुम देखते हो समाज में किसी चीज की कमी होती जा रही है, और वो क्या है, इंसान के चेहरे।